अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज एक फैमिली ब्रेकफास्ट था, वहाँ पर जा रहे हैं। और आमना ने मैंने सेम ड्रेस पहना है, कलर डिफरेंट है, शॉल भी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सिंधी स्टाइल। आपको पता है अचरक और चुनरी, ये कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो कभी भी इनका फैशन आउट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं वीडियो में वो ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कितनी ये मुझे शॉल पसंद आई थी और मैंने फ़ौरन से बाय कर ली। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जी बेटा, किसको? हाय, माय नेम इज हाथी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मनी भी आपको दे देते हैं। नहीं, आप पर्स में नहीं डालना। गो, क्यों रो रहे हो अमु? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके असेसमेंट आ गई है, संडे से फिजिक्स के असेसमेंट है, और रो रहा है कि मेरी छुट्टी चल रही है और मैं जाके कैसे दूंगा। मैंने से कहा है किसी लड़के से लो अब काम, और फिर उसको बोलो कि भाई मुझे डेली बेसिस पे हेल्प करे और तैयारी करके जाके दो, जो भी मार्क्स आते हैं जाके। एक दो दिन रह गए हैं हमारी वापसी में, और अरमान का आज बर्थडे था। वैसे तो मैंने तीनों का इकट्ठा सेलिब्रेट कर दिया था, लेकिन जिस दिन हो उस दिन भी केक लाना मस्ट होता है। तो यहाँ पर अरमान का केक ऑर्डर किया था। चलो भाई, नाना बू को दे आओ, नाना बू को भी दे दो, नानू को भी खिलाओ, सबको दो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं एक फैमिली की तरफ, डिनर पर इनवाइटेड थे। मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अच्छा, मेरे पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, तकरीबन एक दो दिन ही बाकी रह गए हैं। और उसमें भी आपको पता है कि PCR टेस्ट करवाना, अपने डॉक्यूमेंट्स इन सबको कंप्लीट करना, क्योंकि कोविड में ट्रैवलिंग इजी नहीं है और आपको फुल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। और तकरीबन दो दिन पहले ही आपको टेंशन भी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट नाउडेज, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह से सब ने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल दिया है, और इतनी सारी इन्विटेशंस हैं, कुछ तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं की और कुछ हम लोगों ने कर ली। और उनमें से ये एक था जहाँ पर हम लोग आए, हमारे घर के बिल्कुल करीब ही रहते हैं ये। बहुत स्वीट फैमिली है, बहुत ही अच्छे अंकल आंटी हैं, लाइक जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और मेरे पापा के साथ इनका रिलेशन ऐसा है जैसे भाई। तो अंकल और आंटी दोनों ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट बच्चों के लिए आ गई थी, क्योंकि बच्चों का आपको पता है ज़रा हम लोग बातों में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा चले बच्चों को थोड़ा सा सर्व कर देते हैं जूसेस एंड नगेट्स। अरुष बेटा, हाँ क्यूट लग रही है ना। चले हाँ, पापा को आके ले जाए। हम लोग अरुष तो
खाला 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 हम ना मुँह उधर कोई रखती। वैसे इसको तो प्रॉब्लम नहीं है सामने आने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना ही आए तो बेहतर है। और खाना सर्व हो चुके हैं, बस अब टूट पड़ो। रूश कम हियर। खाना खाने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें रह गई हैं वो जाके मैं कंप्लीट कर लूँ, साथ पापा चलेंगे और उज़्मा आमना दोनों, और भी कॉफ़ी शॉपी पियेंगे। अभी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी वो की है। हैप्पी मील लिया जा रहा है इसाम के लिए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये देखें एक ट्रिप आई है स्कूल से बच्चों की, कितने क्यूट लग रहे हैं ये, सारे टीचर्स हैं। और बाकी यहाँ पे बस डेटिंग सिस्टम चलता रहता है। ये देखें इसमें नहीं लिया उन्होंने। अच्छा अभी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और साथ में सिनेमन। अच्छा बस सिनेमन रोल था और साथ क्या था वो पिज़्ज़ा वाला छोटा। हाँ पिज़्ज़ा बाइट्स ऑर्डर किए हैं। डेट इज फॉर नाना बू। लुक नाना बू हैप्पी बर्थडे नाना बू। दीज आर पिज्जा बाइट्स। पापा ये आपका ही है? नहीं ये आपके लिए है। ये भी आपके लिए है, वो भी खाएं। वन कप इज फॉर मी और एक पापा का। ऑर्डर कर रहे थे फिर मैं कैसे पीछे रह सकती। अरूश के लिए भी हैप्पी मील फिर मैंने घर पे ऑर्डर कर लिया और बस वही टॉयज वगैरह देख के खुश हो रही है। बस इसके बाद हमारा लास्ट डे रह गया है जाने का और पापा कह रहे हैं कि कल मैं आप लोगों को डिनर दूंगा बाहर। वैसे सीरियसली मैंने तो मना किया है कि मत करें मत करें, और जब जब दिन करीब जा रहे हैं ना तो मेरा तो खाने को ही कुछ दिल नहीं कर रहा अब। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे हमें पापा लेकर गए हैं। ये वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शाम के टाइम माशाल्लाह से सब टिप टॉप रेडी हुए थे सवाए मेरे। पता नहीं क्यों कुछ तबीयत भी अपसेट हो रही थी, कुछ एंजाइटी सी हो रही थी कि ट्रैवल करना है और ये सब। मैं बस एज़ इट इज़ ए कैजुअल अपनी शॉल पकड़ी और बस निकल गई। लेकिन बच्चे माशाल्लाह से एक एक मोमेंट को एंजॉय करते रहे। बच्चों बैठ जाओ। सब ने अपनी मर्ज़ी से एक एक डिश ऑर्डर की है। मैंने ये तवा चिकन ऑर्डर किया था। तवा चिकन वाज क्वाइट गुड, मतलब जैसा कुकूज़ डेन वगैरह में मिलता है ना, आपको पता है ये जो अंदरूनी लाहौर है वैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन अच्छा था। लाइक आप खा सकते हो, नॉट बैड। और अरमान ने आई थिंक स्टफ्ड चिकन किया था ऑर्डर, ये इसका स्टफ्ड चिकन आ गया। बाकी उज़्मा ने टैरागोन जो इसके स्टेक वो ऑर्डर किए, और आमना ने भी मुझे देख के मैं भी तवा चिकन खाऊंगी उसने भी ऑर्डर कर लिया। उसके अलावा कुछ कबाब वगैरह कुछ ऐसे आइटम्स थे, फ्राइज़ बच्चों के लिए आए, लेकिन बच्चों को सख्ती से मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया था कि ट्रैवल करना है। आज सुबह सुबह मैं और आमना प्लान करके बैठ गए हैं, हमने जाना है चाय खाना। वही तो बना रही हूँ, ये देखो ये क्या है, ऐसे लग रहा है डायनासोर की दुनिया में। इसलिए तो बना रही हूँ। एक चीज जो मैंने नोटिस किया ना, लाहौर में चीलें बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कोई चील हो गई है जहाँ भी चले जाओ, मतलब पूरा उनका एक ग्रुप होता है जो फ्लाई कर रहा है, और जैसे शाम होती है ऊंचे ऊंचे जो दरख्त है ना उन पे जाके ये बैठ जाते हैं। अगर कुछ अरसे तक इन्होंने कंट्रोल ना किया ना तो लाहौर बस चीलों से भर जाएगा। यहाँ पर वैले पार्किंग करवाई है और चलो चाय खाना या चाय खाने, खाना है मेरा खाना, चाय खाना आया। ये रोड कौन सा है? एम एम आलम पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं। वाह जबरदस्त, ये शान है पाकिस्तान की।
लिफ्ट में भी म्यूजिक। ओए कौन से फ्लोर पे है? फोर्थ फ्लोर। ओके अच्छा, चाय खाना। हाँ जी वो मैं दिखा देती हूँ आपको। वेट, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन का पूछ रहे हैं, इनको मैं तवक्कल ना दिखाऊंगी। इधर बैठ जाए। हाँ अच्छा, ये मैं बालकनी से निकल के बाहर की तरफ आ गई हूँ, रहा नहीं गया, मैंने कहा ऊपर से एक व्यू ले लेते हैं लाहौर का। चल हाँ आ गया मेन्यू। अगर आपने लच्छे वाला खाना है तो आप अंदरूनी लाहौर से आए, यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंट पराठा है। सिंपल पराठा है, लच्छों वाला है, कौन सा है? सिंपल पराठा है। आलू वाला कर लें? फ्रोजन वाला तो नहीं है ना, फ्रेश लगाते हैं। अच्छा ये जो बुक्स हैं ये लेके पढ़ सकते हैं? डेकोरेशन नहीं है, पढ़ सकते हैं? क्या इस टाइम माहौल है, खूबसूरत सा माहौल, यहाँ से देखें दूर। हम लोग फोर्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं ना, और हाँ जी हाँ ये फैब वेब स्टार्ट, फैब का नज़ारा लाहौर का, ये देखें दूर से कहीं। ये जग्स हैं, सुराइयाँ हैं, ये क्या क्या पड़ा हुआ है इस तरह करके। ये हैश ब्राउन है, डिफरेंट है। ये पिंक टी आ गई आमना की, मेरी आ रही है यहाँ से। थैंक यू। उफ, ये लाहौर में हम ठंड में बैठ के पहली पिंक टी इंजॉय करने लगे हैं फोर्थ फ्लोर पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। ये देखें इस टाइम फ्रीज़ हो रहा है लाहौर, और हम ओपन विंडो के सामने बैठ के पिंक टी, आलू का पराठा, स्पेनिश ऑमलेट, साथ में लच्छे वाला पराठा, साथ में हमें स्लाइस भी दिए हैं, बटर शटर दिया है जी, ये भी खाएं। और ये मैंने खा पी उठ लिया। सही कह रही, जबरदस्त। ये तुमने गंद मचाया, कुकड़ों ने नाश्ता किया। ये देखें प्यारे प्यारे से दिन, पाकिस्तान की खूबसूरत खूबसूरत सी यादें लाहौर के साथ बस ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जाने के दिन बिल्कुल करीब है। दिन कौन से करीब रह गए, बस एक दिन ही तो रह गया है, और अब मैंने घर पे ही टाइम स्पेंड करना है, बाहर नहीं निकलना। जो भी छोटे मोटे काम हैं वो ख़त्म करने हैं, बस मुझे बेकरी पे जाना था, मिठाई वगैरह लेनी थी, डैट्स इट। इसके अलावा कोई मेरे पास काम नहीं है। इंशाल्लाह घर पहुंच के और पैकिंग की तरफ भागना है। और थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, आमना ने जाना था लेट, मैंने जाना था उससे भी लेट। डेट क्या थी ये नहीं बताऊंगी, लेकिन उसकी बेचारी की सीट होगी एक्सटेंड, और मैंने क्या किया कि जो मेरी सीट्स थी उसको मैंने पीछे करवा लिया। तो बस अब दिन रात मुझे बातें भी सुनने को मिल रही हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।